बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मेरे साथ पूरा जनता है, विकास के लिए, विकास के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। नवसृजित सूर्यघड़ा नगर परिषद क्षेत्र की सभापति पद की बेहद सशक्त, कर्मठ और प्रबल प्रत्याशी सलीमा खातून ने अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन दाखिल किया और इस खास मौके पर सलीमा खातून के पति और जाने माने समाज सेवी मोहम्मद यासीन उर्फ गुड्डू बाबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सलीमा खातून ने डीटीवी भारत के संवाददाता सरफराज आलम से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में, क्या बड़े दावे उन्होंने लखीसराय को लेकर किए हैं, यदि वो सभापति पद के लिए चुनी जाती हैं, वो चुनाव जीतती हैं तो उनका सबसे पहला कदम क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है उन्होंने। जरा इस खास बातचीत को सुनिए। हजारों बरस नरगिस रोती है अपनी बेबसी पर, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदवर पैदा। इसी उद्देश्य, उसी उपलक्ष्य को लेकर, इसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक महिला जो आज नवसृजित सूर्यघड़ा नगर परिषद से भारी हुजूम के साथ, पूरे जन सैलाब के साथ नामांकन दाखिल किए, ये महिला है सलीमा खातून, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और पूरे सूर्यघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उभर कर आज नामांकन का पर्चा अनुमंडल कार्यालय के निर्वाची पदाधिकारी में के यहाँ दाखिल कर चुकी हैं। आइए बात करते हैं सलीमा खातून से, जो नगर परिषद सभापति के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। मैडम, बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप सूर्यघड़ा नगर परिषद से बतौर नगर माता के हैसियत से आपने सभापति के लिए नामांकन दर्ज किया है, कैसा अनुभूति महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, और आपका धन्यवाद। जिस कदर आपके समर्थकों में जो गजब का उत्साह है, जो गजब का तेवर दिख रहा है, जो गजब का उल्लास दिख रहा है, आप कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित, बहुत उत्साहित है। क्या सलीमा खातून के नेतृत्व में सूर्यघड़ा नगर परिषद पूरे बिहार का स्मार्ट शहर बनेगा, टॉप शहर बनेगा? बिल्कुल 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 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कई दशकों से मैडम सूर्यघड़ा को अनुमंडल बनाने के लिए एक लड़ाई चल रही है, जद्दोजहद चल रहा है। इस पर अगर सभापति बन जाती है सलीमा खातून तो क्या सूर्यघड़ा को नगर अनुमंडल का दर्जा दिलाने में आपकी अहम भूमिका होगी, मार्ग प्रशस्त करेंगी आप? पुरजोर करेंगे। सूर्यघड़ा नगर परिषद में महिलाओं की भी अच्छी खासी आबादी है, भागीदारी है, और युवाओं की भी अच्छी आबादी है। आपके नामांकन में जिस कदर महिलाओं और युवाओं का जो जनसैलाब उमड़ा, तो क्या आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल 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 आश्वस्त है, पूरा जनता पर, मेरे साथ पूरा जनता है। मैडम, अंत में एक सवाल आपसे, सूर्यघड़ा नगर परिषद के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में भी रहते हैं और डीटीवी भारत को देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भी देखा जाता है, आप उन मतदाताओं से, उन वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? सभी की खुशहाली के लिए, सभी की खुशहाली के लिए, यहाँ विकास के लिए, विकास के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। आप उनसे मतदान अपने पक्ष में करने का अपील करेंगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से हम पुरजोर। चलिए, जाने माने प्रख्यात समाज सेवी शाह यासीन उर्फ गुड्डू बाबू, जो गोपालपुर पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं, जाने माने प्रख्यात समाज सेवी हैं, आज आपकी धर्म पत्नी पूरे लाल लश्कर के साथ, एक जन सैलाब के साथ नामांकन दाखिल किया, आप कितने उत्साहित हैं? बहुत बहुत बहुत, मेरे साथ साथ जनता भी बहुत उत्साहित है, हजारों की संख्या में जनता आए हैं समर्थन में। और जिस कदर
आपके समर्थकों में जो उल्लास है, उत्साह है, गजब का जज्बा देखने को मिला। क्या पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से सुजगढ़ा नगर परिषद सीट से सभापति के उम्मीदवार के रूप में सलीमा खातून चुनाव जीतेगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, और भी समर्थक हैं, आप ये बताइए कि क्या रिकॉर्ड मतों से सलीमा खातून को आप लोग अपना सभापति बनाएंगे? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बहुमत। क्या पूरा समर्थन मिलेगा सलीमा खातून को? बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे हम लोग, मिलेगा। ये थे सलीमा खातून, उसके बाद उनके पति शाह मोहम्मद यासीन उर्फ गुड्डू बाबू। इनका एक विजन है, एक नारा है, कोई कह दे जाकर निजाम से, मैं तो मेरी दोस्ती है आवाम से। इसी नारा के साथ, इसी विजन के साथ, इसी एजेंडे के साथ सलीमा खातून ने आज हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करके एक इतिहास रचने का काम किया है सुजगढ़ा नगर परिषद के लिए। और ऐसा महसूस हो रहा है जिस कदर सलीमा खातून के समर्थकों में जो उत्साह है, उमंग है, ऐसा लग रहा है कि सुजगढ़ा नगर परिषद के लोग सलीमा खातून को अपना सभी सभापति बनाने के लिए बेचैन हैं, आतुर हैं, तत्पर हैं। सरफराज आलम, डीटीवी भारत, लखीसराय।